नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने उपमंडल कार्यालय स्वारघाट में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास के मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विधायक रामलाल ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जानकारी में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस वक्त भारी बारिश में विधानसभा क्षेत्र नैना देवी में जो तबाही मचाई थी उसको लेकर समीक्षा की जानी थी, लेकिन उपमंडल कार्यालय स्वारघाट में रखी गई समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए हैं, जिसके चलते अब ये बैठक 2 हफ्ते बाद फिर से आयोजित की जाएगी। नैना देवी विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ने उपमंडल कार्यालय स्वारघाट में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास के मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। विधायक रामलाल ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जानकारी में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस बार भारी बारिश ने विधानसभा क्षेत्र की नैना देवी में जो तबाही मचाई थी उसको लेकर समीक्षा की जानी थी, लेकिन बैठक में कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। गौरतलब रहे कि ऐसी बैठकों का आयोजन विधानसभा में हर 6 माह बाद किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के विधायक को संबंधित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके चल रहे विकास कार्यों व समस्याओं पर बैठक में चर्चा व प्रगति रिपोर्ट तलब की जाती है। लेकिन शुक्रवार के दिन उपमंडल कार्यालय स्वरगढ़ में रखी गई समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए हैं, जिसके चलते अब ये समीक्षा बैठक 2 हफ्तों के बाद फिर से आयोजित की जाएगी। हालांकि बैठक के दौरान नैना देवी इलाके के कई गांवों के लोग नव विधायक रामलाल ठाकुर के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी हैं। उनके समाधान के लिए विधायक रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट के SGM व तहसीलदार को मौके पर जाकर समाधान करने के आदेश दिए हैं। ये नेशनल हाईवे 21 नेशनल हाईवे है और साथ में हमारी 4 लेन का काम चला है। 4 लेन का काम पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है। ठेकेदारों का 42 करोड़ रुपए जो सब कॉन्ट्रेक्टर है उनका मार्के कंपनी चली गई, उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, उनकी मशीनरी है वो वहीं के वहीं फंसी है। और मैं कहना चाहूँगा कि इसका तुरंत जो है वो काम होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी लिखित तौर से भी निवेदन किया है और विधानसभा में भी मैंने उनसे कहा था कि ये जो सड़क है इस सड़क का बनना बहुत आवश्यक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर मान लो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है इसको बनाना। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया था कि इसके 2 टेंडर लग चुके हैं और अभी जल्दी से इसका काम होगा और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जो लोगों की पेमेंट बची हुई है वो पेमेंट भी जल्दी से करवा दी जाएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में कोई कड़ी है एक है और मुख्यमंत्री जब कहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जयराम ठाकुर जी ने जो विधानसभा में कहा है उसको पूरा करेंगे और इस सड़क का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अब रही 21 निवेदन करना चाहूँगा कि एक नेता इसके बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता लेकिन आप सबों को मालूम है कि उन्होंने ये बयान दिया कि ये सड़क जो है अब ये नेशनल हाईवे नहीं रही है, ये स्टेट हाईवे बन गया है और ये राज्य सरकार को सौंप दी गई है। ये मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे डी नोटिफाई नहीं हुआ है, ना नेशनल हाईवे जो है डी नोटिफाई होते हैं। उसका जो पैसा था मैं आपको कहना चाहूँगा पीछे जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, मैं योजना का चेयरमैन होता था 20 सूत्रीय कार्यक्रम का, उसमें 9 करोड़ रुपये हमने ये जो 4 लेन वाले हैं क्योंकि उनके साथ जो शर्त है कि जब तक ये 4 लेन नहीं बनेगी तब तक ये जो नेशनल हाईवे है 21 नंबर उसकी जो है वो रिपेयर और सारा काम जो है वो नेशनल हाईवे की जगह पे ये जो 4 लेन है वो करेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा 9 करोड़ रुपए मिला था और 9 करोड़ में पता है आपको उस समय के विधायक ने एक पदयात्रा रखी थी, अब 9 करोड़ रुपये आ गया तो पदयात्रा शुरू हो गई थी। अब वही अगर मान लो पूर्व विधायक ये कहें कि जी ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, उस टाइम भी प्रधानमंत्री वही थे, गडकरी साहब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो उसमें भी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है उनके टाइम में ये सारा कुछ हुआ है, उसमें ना पूर्व सरकार की जिम्मेवारी है और मैं कहूँगा ना मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है और ये जो नेशनल हाईवे है इसको ठीक करना
यह हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि हमारी जो है वो लाहौल स्पीति से, कुल्लू और मनाली से, मंडी से जितनी भी सब्जियां, जितने भी फल है वो यहीं से आ रहे हैं, इसी सड़क से आ रहे हैं। जो सीमेंट है वो भी यहीं से आ रहा है, क्लिंकर भी यहीं से जा रहा है। तो इस सड़क को जो है ठीक रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना पैसे के नहीं होगा। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक भी पैसा नहीं दिया है, निहाई वालों ने कोई पैसा हिमाचल सरकार को नहीं दिया है। अब मैं ये कहूँ कि इसके लिए जो है जयराम जी जिम्मेवार है, नहीं, लेकिन सबको अपनी जिम्मेवारी सोचनी चाहिए। और ये जो सड़क है इसके ऊपर जो मेरा डिवीजन नंबर 2 का पैसा है वो उस पर लग रहा है, और जो गांव की सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, वो बंद पड़ी है। सरकार उस तरह को भी ख्याल करे, नेशनल हाईवे अपनी जगह है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ना पैसा लेने का हिमाचल सरकार को प्रयास करना चाहिए। अब तो ट्रांसफार्मर एक ही है।